Hello kids, my name is Ms. Morzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today, what we are going to do? We are going to begin with our new chapter. That means, hum log ek naya chapter start karne wale hai. I hope that all of your exam have went good. All of you are now well prepared to learn more. Okay, so the name of the chapter is Our Neighborhood. Right, the name of the chapter is Our Neighborhood. So I know our, you know the meaning of our. आप लोग को our का meaning पता ही होगा, but you must be little bit confused of the meaning of neighborhood. Right, so first we are going to learn that only. सबसे पहले हम वही सीखने वाले हैं कि what is the meaning of neighborhood. Neighborhood का मतलब क्या होता है, राइट? सो द प्लेसेस अराउंड अवर हाउस मेक्स अवर नेबरहुड. दैट मीन्स हमारे आसपास की जो जगह है, हमारे आसपास की जो प्लेसेस है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नेबरहुड बोलेंगे, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज नेबर्स, राइट? So the people who live next to us are called our neighbors. That means कि हमारे घर के बाजू में जो लोग रहते हैं, हमारे पास जो रहते हैं, वो लोग क्या बन जाएंगे? वो हमारे neighbors बन जाएंगे. हम उन लोगों को पड़ोसी बुलाते हैं, right? The ones who are living near our house, beside our house, are called our neighbors, right? हमारे घर के आसपास, हमारे घर के बाजू में जो लोग रहते हैं, उन्हें हम क्या बुलाएंगे? उन्हें हम neighbor बुलाएंगे. इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दो घर पास पास है और वो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं. हम भी अपने नेबर्स को कई दफ़ा मिलते हैं, ठीक है? फिर द नेक्स्ट वर्ड इज मार्केट्स. द प्लेस वेयर वी कैन गो एंड गेट थिंग्स फ्रॉम इज कॉल्ड मार्केट. ऐसी जगह जहाँ पे जाके हम लोग चीज़ें खरीद सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम मार्केट बोलेंगे. कैसी जगह जहाँ पे हम जाके चीज़ें, हमारी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाएँ, जैसे कि कपड़े हो, शूज़ हो, कुछ भी, वो सब चीज़ों लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब भी लेने हम मार्केट ही जाते हैं, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रूट्स. Fruit is a type of food which we get from plants and we can eat it raw as well. Fruit क्या है? एक food का type है जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और जो हमें plants से मिलता है, right? I know all of you are aware with the meaning of fruit, right? You all have special favorite fruits. Some people like apple, some people like strawberries, some people like grape, some people like oranges, right? तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने दीदी को बताई है. Then the next word is vegetable, right? It is also a type of food that can be eaten after cooking only. Few can be eaten raw. Only few can be eaten raw and we also get it from plants. Vegetable भी क्या है? एक food का ही type है जो हम लोग कच्चा एकदम से नहीं खा सकते. We need to cook it. हमें उसको पकाना पड़ता है, right? कुछ ही ऐसे vegetables है जो हम लोग कच्चे खा सकते हैं, बाकी सभी को हम लोग पका कर ही खा सकते हैं, ठीक है? तो दीदी ने आपसे पूछा ही है, जब हम फेवरेट्स लर्न कर रहे थे तब, क्या आपकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है? कहीं ने लेडीज़ फिंगर बोला, कहीं ने ये बोला, वो बोला. तो आप सब भी वेजिटेबल्स हर रोज़ खाते हैं. दीदी का फेवरेट कौन सा है? ब्रोकली, स्पिनच, वो सब दीदी को बहुत पसंद है. वैसे ही आपको भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिससे हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, राइट? Then the next word is groceries, right? What is the meaning of groceries? Groceries are the thing that we require to run our household. Groceries क्या है? जो चीज़ें हमें ज़रूरत की है हमारा घर चलाने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम groceries बोलेंगे, right? The things that are required to run our house.
और हर चना के लिए हमें फ्रूट्स चाहिए होंगे, वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, मिल्क चाहिए होगा, दाल, फिर राइस, वो सब भी चीज़ें चाहिए होगी। तो वो सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉसरी बोलेंगे। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रॉसरी। हमारे घर को क्लीन रखने के लिए जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए वो भी ग्रॉसरीज ही बन जाएंगी, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, राइट। पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स आर द प्लेस वी गो टू एंड हैव फन, राइट। पार्क सुन के आप लोगों को तो मज़ा ही आ जाएगा, राइट। यू गो देयर, यू हैव फन, यू प्ले, यू स्विंग, यू स्लाइड एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, राइट। पार्क में आप जाके खेलते हैं, झूला झूलते हैं और कई सारी मस्ती करते हैं, राइट। सो पार्क इज़ द प्लेस वेर वी कैन गो एंड प्ले, प्ले भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सुबह सुबह इफ़ आप पार्क जाए तो आप देखेंगे कई लोग वॉकिंग कर रहे होंगे, कई लोग जॉगिंग कर रहे होंगे, कई लोग योगा कर रहे होंगे उधर। सो पार्क एंड प्लेग्राउंड्स आर द प्लेस वेर यू कैन गो प्ले एंड एक्सरसाइज अ बिट। देन रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स टू गेट कम्फर्टेबल, राइट। लंबे दिन के बाद जब आप थोड़े रिलैक्स होते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं अपने बेड पे, या म्यूज़िक सुन के, या कार्टून देख के, या कुछ मस्ती करके, तो आप रिलैक्स कर रहे हैं पूरे दिन के काम के बाद। यू आर जस्ट बीइंग कंफर्टेबल, बीइंग ओके एंड सी थी, यू नो, टेकिंग जस्ट द टाइम टू बी फॉर योर सेल्फ। सो इधर भी आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो है वो आराम से रिलैक्स कर रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है। रिलैक्स मीन्स टू गेट कंफर्टेबल, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉक। वॉक इज़ व्हाट? वॉक इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच वी डू टू स्टे हेल्दी। वॉक क्या है? एक एक्सरसाइज का फॉर्म है जो कई लोग करते हैं हेल्दी रहने के लिए। इधर भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग वॉकिंग करते करते बात करके अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं। वॉकिंग इज़ अ बेस्ट वे टू एक्सरसाइज, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ जॉग। जॉग इज़ व्हाट? जॉग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच वी आर वॉकिंग अ लिटिल फास्टर, राइट। यू कैन सी द डिफरेंस इन द बोथ पिक्चर। वॉक में वो लोग स्लोली स्लोली चल रहे थे और जॉग में ये लोग फास्ट रन कर रहे हैं, राइट। देन एक्सरसाइज, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सरसाइज? एनी फिजिकल एक्टिविटी टू कीप अवर बॉडी हेल्दी इज कॉल्ड एक्सरसाइज। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, मूवमेंट हो, जो हम करते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्सरसाइज बोलते हैं। डांसिंग कैन बी एन एक्सरसाइज, स्विमिंग कैन बी एन एक्सरसाइज। जहाँ हमारी बॉडी मूव हो रही हो वो क्या बन जाएगी? हमारी एक्सरसाइज बन जाएगी, राइट। स्विंग्स एंड स्लाइड्स, राइट। स्विंग्स इट इज़ अ थिंग दैट इज़ मेड फॉर द किड्स टू प्ले। स्विंग्स और स्लाइड आप देख सकते हैं, झूले को स्विंग कहते हैं और उसको स्लाइड कहते हैं, जिसमें हम यू नो वी कैन स्लाइड डाउन। सो इट इज़ अ प्ले थिंग, इट इज़ मेड फॉर द किड्स टू प्ले। बच्चों के लिए बनाया गया है ये, खेलने के लिए, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सिक। Here you can see in the picture that the boy is feeling feverish, he is not well. That means कि वो बीमार है, वो sick है। Sick means बीमार होना, right? Then the next word is hurt, right? Hurt means injured. Hurt दो तरह से हो सकते हैं। आप फिजिकली भी हर्ट हो सकते हैं, जिसमें हमें कुछ चोट लगी हो या कुछ ऐसा हुआ हो, और इमोशनली भी हर्ट हो सकते हैं। आपको मम्मा ने डांटा तो आप हर्ट हो जाएंगे कि क्यों डांटा, बेवजह डांटे तो, अगर कोई रीज़न से डांटे तो इट इज़ ओके। और आपके फ्रेंड बाहर चले गए आपको छोड़ के खेलने के लिए, तो आपको हर्ट होगा, बुरा लगेगा, उसे भी हम हर्ट होना ही कहेंगे। बट इधर हमें चोट लगने वाला हर्ट की बात हो रही है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्टर। डॉक्टर इज द वन हु ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। डॉक्टर एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा पर्सन है जो हमें ठीक कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, दवाई दे के, इंजेक्शन दे के, सभी चीज़ें दे के, जिससे हम जो बीमार हो तो हमें वो ठीक कर पाए, राइट।
Then the next word is nurses. A person who takes care for the sick एक ऐसा पर्सन जो हम जब ठीक नहीं होते, जब हम बीमार होते हैं, तब जो हमारी देख रेख करता है, जब जो हमारी ध्यान रखता है, उसे हम नर्स कहेंगे। आप हॉस्पिटल में भी देखेंगे, डॉक्टर आपको चेक करके दवाई देकर चले जाएंगे, फिर नर्सेस ही होगी जो आपको ध्यान रखेगी। आपकी पट्टी जो बांधनी हो तो वो बांध देगी। नर्स अपने में बहुत अच्छी होती है। वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि वो सब भी पेशेंट्स का इतने अच्छे से ख्याल रखती है। Right, then the word is banks, the place where people keep their money and valuables to us in a safe. Right, एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपने पैसे रखते हैं, अपनी valuables मतलब क्या कि जिसकी कोई value हो, गहने हो सकते हैं, कुछ ऐसे papers हो सकते हैं जिसकी कुछ value हो, उधर safe में रख सकते हैं, safely रख सकते हैं कि घर में जो चोरी हो जाए तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। इधर बैंक में पूरी सिक्योरिटी होती है और लोग बहुत ध्यान रखते हैं हमारे पैसों का। सो बैंक इज़ द प्लेस वेयर वी कैन कीप अवर मनी एंड अवर वैल्यूएबल थिंग्स सेफ, अच्छे से रख सकते हैं। मनी का मतलब फिर आपको डाउट होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी। इट इज़ द थिंग दैट वी गिव इन एक्सचेंज ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट टू बाई। मनी क्या है? आपको चॉकलेट लेनी है तो आप क्या करेंगे? वो भैया जो शॉपकीपर है वो आपको ऐसे ही दे देंगे? नहीं, उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जो चीज़ देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम मनी बोलेंगे। राइट, द थिंग दैट वी गिव टू बाई समथिंग इज़ कॉल्ड मनी। राइट, then the next word is jewelry. Right, it is a thing which people wear and it is very valuable. आपके मम्मा के पास, आपकी बुआ के पास, सभी के पास आपने कुछ देखा होगा, वो ज्वेलरी है। वो usually girls पहनती है, boys भी पहन सकते हैं chain और वो सब, but jewelry is a valuable thing. Right, जिसकी कुछ value होती है उसे हम valuable कहेंगे। Right, then the next word is safe. Now safe means away from danger, वो हम लोग ने पढ़ा है। Safe means danger से जब हम दूर होते हैं तो हम safe है। पर इधर हम safe ऐसे समझेंगे कि बैंक में उधर एक safe होता है जहाँ हम लोग अपनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें रख सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं पिक्चर में कि कई सारे ड्रॉवर जैसा, तिजोरी जैसा कुछ है, वो आपको एक 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 मिलता है। उधर आप अपने पैसे हो या कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हो उधर रख सकते हैं। राइट, इधर सेंटेंस भी दीदी ने ऐसा ही बोला बनाया है, आई कीप माई मनी सेफ इन माई बैंक। बैंक में हम सेफ में अच्छी तरह से अपने पैसे रख सकते हैं। राइट, देन द नेक्स्ट प्लेस वी आर गोइंग टू लर्न इज स्कूल। स्कूल इज द प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू लर्न न्यू थिंग्स। राइट, स्कूल एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम सिर्फ पढ़ने ही जाते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम कई सारी चीज़ें सीखने भी जाते हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश, उस सब के भी अलावा आप मैनर्स सीखते हैं, कैसे बिहेव करना, कैसे बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, और कई सारी चीज़ें हम स्कूल में से ही सीखते हैं। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ से हम कई सारी नई नई चीज़ें पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं। राइट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्न नाउ? लर्न मीन्स सीखना, टू अक्वायर नॉलेज। अक्वायर मीन्स लेना, अपने पास लेना। राइट, नॉलेज को अपने पास लेना मतलब लर्न करना हुआ। इधर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो अपने पास नॉलेज सिर्फ रख रहा है, अक्वायर कर रहा है अपने माइंड में। राइट, देन द नेक्स्ट प्लेस इज पुलिस स्टेशन, द प्लेस वेयर पुलिस वर्क। पुलिस works at police station. Now you will ask, what is the meaning of police? Police is the person that protects us. Right? Police एक ऐसा आदमी है जो क्या करता है,
जो हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। इफ़ हमारी यू नो हमारे खतरा हो तो वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, इफ़ हमारे घर में चोरी हुई हो तो वो हम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे, वो चीज़ें ढूंढ के लाएंगे अपने लिए। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए कौन करता है? पुलिस करता है। अगर किसी आदमी को भी अगर किसी कोई आदमी भी गुम हो जाए तो उसे पुलिस ही ढूंढ के लाते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज गार्ड। गार्ड मीन्स टू प्रोटेक्ट। जिसको बचाने की ज़रूरत हो, जिसको बचाते हैं वो क्या होते हैं? गार्ड होते हैं, राइट। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर द डॉग गार्ड्स अवर हाउस। एक डॉग है जो अपने गार्ड हाउस को गार्ड करके रखा है, बचा के रखा है, राइट। सो वो एक चीज़ है कि जो जो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको बचाते हैं वो गार्ड होते हैं, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज फायर स्टेशन। द प्लेस इन वेयर वी कैन कॉल यू नो द प्लेस वेयर वी कैन कॉल टू पुट आउट द फायर इज कॉल्ड फायर स्टेशन। एक ऐसी जगह जहाँ हम फ़ोन करते हैं जब बड़ी आग लगती है, उसको हम क्या बोलेंगे? फायर स्टेशन। एक ऐसी जगह जिसे हम फ़ोन करेंगे जब कहीं पे भी आग लगी हो, दैट विल बी कॉल्ड फायर स्टेशन, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज फायर फाइटर। द पर्सन हु पुट्स आउट फायर। जब आग लगी हो तो जो लोग आग बुझाएंगे उन लोगों को हम क्या बोलेंगे? पुट्स आउट मीन्स बुझाना, उनको हम फायर फाइटर्स बोलेंगे। हियर आई यू कैन सी इन द पिक्चर वेरी वेल कि आग लगी है और वो एक आदमी जो है वो पानी से वो आग को बुझा रहा है, तो उस आदमी को हम क्या बोलेंगे? फायर फाइटर, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कैच। कैच मीन्स टू गेट अ होल्ड ऑफ समथिंग। आप लोग जब अपने फ्रेंड्स के साथ बॉल से खेलते हैं तो आप बॉल फेंकते हैं, तो सामने वाला जब उसे पकड़ ले तो दैट मीन्स ही इज़ कैचिंग इट, राइट। फिर आपको जो सर्दी हुई हो, आपको ठीक ना हो, फिर आपकी मम्मा को भी हो जाए तो आपकी मम्मा ने आपका वायरस कैच कर लिया, आपकी बीमारी कैच कर ली आपसे, सो दैट इज़ द थिंग, राइट। सो द बिल्डिंग कॉट फायर। बिल्डिंग में क्या हुआ? फायर का होल्ड हुआ और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, राइट। सो हियर यू कैन सी द बिल्डिंग इज कॉट इन फायर। देन द नेक्स्ट वर्ड इज पोस्ट ऑफिस, राइट। इट इज़ द प्लेस वेर वी गो टू सेंड अवर लेटर्स एंड पार्सल्स। एक ऐसी जगह जहाँ हम क्या कर सकते हैं? हमारे लेटर्स जो है, पार्सल्स जो है, वो उधर दे सकते हैं और वो लोग अपनी सही जगह पर पहुँचा देंगे। एफ दीदी आपको एग्जाम्पल दे तो आप लोग जो गुजरात में रहते हो, राजकोट में रहते हो और अपने मामा और मामी और को कुछ भेजना है और वो मुंबई रहते हो, तो आप कैसे भेजोगे? विथ द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जाकर अपना उनको उन लोगों का एड्रेस लिखवाओगे, पूरी तरह से पैक करोगे और वो लोग फिर उस जगह को पहुँचा देंगे। उसके बदले में वो क्या लेते हैं? दे आर टेकिंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ दैट, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज लेटर्स। दीज आर द थिंग्स विच वी राइट टू टॉक टू अदर पर्सन हु इज लिविंग फार। लेटर्स क्या है? लेटर्स एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग लिख के एक दूसरे को देते हैं, अगर हमें कुछ बताना हो और अगर हमें कुछ कोई लोग बहुत दूर रहते हो, और अब तो हमारे पास फ़ोन आ गया है बच्चों, पर पहले क्या था? हमारे पास फ़ोन नहीं था, नेट नहीं था, मैसेज की सुविधा नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे? लेटर्स लिख लिख कर एक दूसरे से बात करते थे। तो लेटर्स तब हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, अभी हम लोग फ़ोन से या मैसेज से और इस चीज़ से बात कर सकते हैं, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्सल्स। इट इज़ अ पैकेज वी सेंड टू पीपल हु लिव फार, राइट। वो क्या है? वो एक ऐसा पैकेज है जो हम लोग भेजते हैं जो लोग बहुत दूर रहते हो, राइट। क्या है पार्सल? पार्सल इज़ अ पैकेज वी सेंड टू पीपल हु लिव फार। अगर मम्मी ने कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हो, अचार बनाया हो, और मम्मी को मासी के घर, मामा के घर भेजना हो, तो वो कैसे भेज सकती है अगर वो दूर रह रहे हो? तो पार्सल भिजवा कर हम लोग दे सकते हैं, राइट। और वी कैन ऑर्डर थिंग्स ऑनलाइन फ्रॉम ऑनलाइन साइट्स एंड रिसीव इट इन पार्सल। अगर आप
आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग से भी बहुत ही अभी फेमिलियर हो गए। कई सारी ऐसी साइट्स है जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, उधर से आप ऑर्डर करेंगे तो हमें पार्सल में ही वो चीज़ मिलेगी, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एनवलप। व्हाट इज एनवलप? Envelope is a thing in which we keep our letter and post it. Envelope क्या है? वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपना letter रख सकते हैं और फिर हमें उसको post करना पड़ता है, उसके ऊपर फिर हम address और वो सभी चीज़ें लिखते हैं, right? Then the next word is stamps. Stamp is a small piece of paper that you stick on onto a letter or a package to show that you have paid for it. जैसे आपको दीदी ने बोला कि एक्सचेंज में हमें क्या देना पड़ता है, लेटर्स भेजने के लिए, पार्सल भेजने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो वो पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं उसका प्रूफ क्या? वो लोग आपको बदले में एक छोटा सा स्टैम्प देते हैं, पिक्चर में भी दिखा है। वो हमें क्या करना होता है? वो उस लेटर पे लगाना होता है जिससे पता चले कि उसकी पेमेंट हो गई है, पार्सल के ऊपर या फिर लेटर के ऊपर वो स्टैम्प हम लगाते हैं, राइट। देन पोस्ट कार्ड इज़ अ पीस ऑफ पेपर, थिक पेपर, जो हम क्या करते थे उससे, उसके ऊपर लिखते थे, राइट। दीदी ने बोला लेटर जब हम लिखते हैं तो उसको एनवेलप में डाल के भेजना पड़ता है, पर कई बार आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही देनी है छोटी सी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड के ऊपर लिख के साइड में एड्रेस और वगैरह करके आप सीधा ही वो भेज सकते हैं, जिससे क्या हो, एनवेलप और वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। और ये लेटर्स के पेपर से थोड़ा थिक होता है, थिक मीन्स कड़क होता है, जिससे क्या होगा, ये वो मुड़ ना जाए, टूट ना जाए, गंदा ना हो जाए, इसकी वजह से। तो पोस्ट कार्ड क्या है? पोस्ट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन लिख के, एड्रेस लिख के, स्टैम्प लगा के ऐसे ही भेज सकते हैं, उसको एनवेलप में रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज वर्शिप। What is the next word? The next word is worship. What do we mean by worship? Worship means to pray. उसको पूजना, उसको मानना। I worship idol, Ram. I worship idol, Ganesha. हम लोग भगवान को मानते हैं, उसको पूजा करते हैं, उनमें ट्रस्ट रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें उनको वर्शिप करते हैं, हम उनके पास उनसे प्रे करते हैं, right? Now you will have a question in your mind. What do we mean by praying? Praying is the way to connect with God. हम God के साथ ही जब बात करनी हो तब क्या करते हैं? Prayer करते हैं, right? जब हमें God के साथ बात करनी हो तो हम क्या करते हैं? Prayer करते हैं। It is a way to request to the God as well. Okay, then the next word is temples. Right, it is a place where we can go and worship. Right, temple एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके हम प्रे कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और वो सभी सारी चीज़ें कर सकते हैं। You must be going to the temples with your parents, with your grandparents, right? आप सब भी temples जाते होंगे। Temple का exact translation आप हमारी language में जो देखें तो वो मंदिर होता है, right? So you all must be going to some place to worship, पूजा करने के लिए जाते होंगे, right? Then the next word is mosque, right? It is also a place where we can go and pray. टेम्पल है, मंदिर है, तो इसमें मस्जिद हो जाएगा, तो हम यही सारी जगह पर जाके गॉड से और कनेक्टेड फील करते हैं। दैट इज़ वेरी प्योर एंड गुड फील वाली प्लेसेस है जहाँ पे जाके हम पूजा कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज चर्च, राइट। इट इज़ ऑल्सो द सेम, राइट, जहाँ पे जाके हम लोग पूजा कर सकते हैं, भगवान से और कनेक्टेड हो सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। देन गुरुद्वारा, सेम विथ दैट, गुरुद्वारा इज ऑल्सो गुड प्लेस, फील गुड प्लेस वेर वी कैन गो, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रोइंग। नाउ यू कैन सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग वेरी नाइसली। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं दैट मीन्स वी आर थ्रोइंग इट, राइट।
फेंकना मतलब थ्रो करना, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ थ्रोइंग. देन द नेक्स्ट वर्ड इज गार्बेज. द थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज फॉर अस राइट नाउ इज कॉल्ड गार्बेज. हमें जिस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है तो वो क्या बन जाएगी, गार्बेज बन जाएगी, कचरा. इनडायरेक्टली वी कैन से इट इज़ ऑफ नो यूज़ एनी मोर, इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, देन इट विल बी गार्बेज. हियर यू कैन सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. देन द नेक्स्ट वर्ड इज डस्टबिन. इट इज़ द थिंग वी यूज टू डिस्पोज गार्बेज, कचरा जिस चीज़ में हम फेंकते हैं, डिस्पोज करते हैं, मतलब उसमें डालना, फेंकना, राइट. इट इज़ कॉल्ड डस्टबिन. यू ऑल मस्ट बी हैविंग डस्टबिन एट योर हाउस. आप घर पे ऐसा नहीं करते होगे कि कोई चीज़ के लिए हमें जगह नहीं मिल रही हो तो ज़मीन पर फेंक दिया. ऐसा नहीं करना चाहिए हमें रोड पे भी, राइट. वी नीड टू वेट एंड फाइंड फॉर अ डस्टबिन एंड देन वी कैन थ्रो इट आउट देयर. उधर ही हमें वो सारी चीज़ें फेंक देनी चाहिए, डस्टबिन में ही, रास्ते पर, ऐसे किसी सड़क पर फेंकना चाहिए नहीं. वी नीड टू बी टेकिंग केयर कि वी आर थ्रोइंग अननेसेसरी यूजलेस थिंग्स इन डस्टबिन ओनली, नॉट ऑन द रोड, नॉट एनीवेयर एल्स. ओके, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली. वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली कि हम अपना कंट्री जो है, अपना सिटी जो है, वो क्लीन रखने की कोशिश करें, राइट. देन डीफेसिंग. नाउ डीफेसिंग इज़ अ टोटली न्यू वर्ड फॉर यू. टू डिफेस समथिंग मीन्स उसको बिगाड़ देना, टू स्पॉइल समथिंग, राइट. देयर मस्ट बी अ नाइस वॉल इन योर सिटी, इन योर एरिया. वॉट यू कैन लाइक डू, सम कुछ लोग ऐसे पेंट कर देते हैं उसके ऊपर, कुछ लोग कुछ गंदा कर देते हैं उसको, उसके ऊपर कचरा डालते हैं, थूकते हैं, वो सभी चीज़ें करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगी, वो वॉल डर्टी हो जाएगी. दैट मीन्स वी डिफेस्ड दैट वॉल. ऐसा करना चाहिए नहीं. वी नीड टू कीप अवर सिटी क्लीन, वी नीड टू कीप अवर वॉल्स क्लीन. आपके घर की वॉल पे जो कोई ड्राइंग करके जाए, कोई पेंट करके जाए, कुछ भी कचरा उसके ऊपर फेंक के जाए या थूके उसके ऊपर, तो आपको कैसा फील होगा? यू वुड फील बैड. इन द सेम वे अवर सिटी इज़ अवर होम, अवर कंट्री इज़ अवर होम ओनली. वी नीड टू टेक केयर कि हम लोग भी ध्यान रखें और दूसरों को भी उस चीज़ों का ख्याल रखने के लिए बोले, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज बेंच. इट इज़ मेड ऑफ वुड सिटिंग पर्पस इन, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड फॉर सिटिंग पर्पस इन पब्लिक प्लेसेस, राइट. स्कूल क्या है, उधर आप जाएंगे तो आप बेंच पर ही बैठते हैं, राइट. सो बेंचेस के दो अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. बेंचेस स्कूल में अलग होती है और पार्क में वो अलग होती है. स्कूल की बेंचेस का पिक्चर भी दीदी ने प्रोवाइड किया है और पार्क वाली बेंचेस का पिक्चर भी दीदी ने प्रोवाइड किया है. बेसिकली बेंच इज़ अ थिंग वेयर यू कैन सिट नाइसली एंड रिलैक्स अ बिट. बेंच बैठने के लिए बनाई गई होती है, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज फेंस. The thing we use to separate private property from others, right? हमारे घर के आजू बाजू जो ये वाइट कलर का क्या है घर के आसपास, दैट इज फेंस. हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डॉग्स ना आ जाए, कोई एनिमल ना आ जाए, कोई लोग ऐसे ही ना आ जाए, इसकी वजह से हम क्या बिल्ड करते हैं, फेंस बिल्टअप करते हैं, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज वॉल. Here you can see the picture. It is built with bricks. Bricks क्या है, small brown like, red brown like thing, जिसको हम एक के ऊपर stack करके अपना पूरा wall बना सकते हैं. इधर picture में भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि how it is built. And the last word is respect. राइट, रिस्पेक्ट नो मीनिंग दीदी है तमने लोगों ने एडवाइजरी में बहु डिटेल में फाइन रीते समझाव्यो छे, राइट. दीदी हेज टॉट यू वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट वी आर नॉट ओनली गिविंग टू एल्डर्स, बट वी नीड टू गिव एवरी सिंगल पर्सन वी नो और एवरी वन, राइट. हमें सभी लोगों को रिस्पेक्ट देनी है. ऐसा नहीं कि बड़े लोगों का ही आदर करना है, बट वी नीड टू टॉक in a nice manner with small children or small people than us as well. सभी लोगों से अच्छे से बात करना, उनका ध्यान रखना, उससे बुरी तरह से बात नहीं करना,
उनको रिस्पेक्ट देना ही होता है, राइट। सो वी नीड टू टेक केयर दैट वी आर नॉट ओनली थिंकिंग क्या हमें एल्डर्स को ही रिस्पेक्ट देनी है, बट वी नीड टू टेक केयर वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरी वन अराउंड अस, राइट। सो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू बी लर्निंग एज वी आर ग्रोइंग। सो दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 4. I hope you all are very much clear, very much thorough with them. Please repeat the video if you want to learn again and again and get the clarity of the word. And then you can learn the chapter very nicely while the chapter explanation is going on. So kids, this was the session of today. Until we are seeing each other next time, what we are going to say? We are going to say bye.